तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सर। मैं स्वागत करता हूँ आपके इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है एक्सपर्ट नॉलेज। दोस्तों बात करेंगे यूपीएससी शिक्षक भर्ती के बारे में। दोस्तों लिस्ट होगी जारी, बहुत सारे मुझे कमेंट मिले कि सर जो हमारी लिस्ट है सेकंड लिस्ट वो आएगी या नहीं आएगी। तो भाई आपको बता दूं, जो आपकी लिस्ट है भाई सेकंड लिस्ट आपकी 100% जारी होगी। आपको टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है। इतने गुणांक वालों का होगा चयन। मुझे बहुत सारे कमेंट मिले कि सर जो हमारा गुणांक है 65 है, 62 है, 63 है, हमारा चयन होगा या नहीं होगा दूसरी काउंसलिंग लिस्ट में। तो फिर आपके सभी डाउट हम इस वीडियो में क्लियर करने वाले हैं। प्लीज वीडियो को पूरा देखिएगा, वीडियो की बिल्कुल मत कीजिएगा। कम गुणांक वालों के लिए दोस्तों इस वीडियो में खुशखबरी है, बहुत ही अच्छी दोस्तों, जो आपको बहुत पसंद आएगी। तो प्लीज वीडियो को पूरा देखिएगा, वीडियो की बिल्कुल मत कीजिएगा। मैं आपका ज्यादा समय नाते वीडियो स्टार्ट करता हूँ। तो क्या चलते अपने नेक्स्ट पेज पे। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, यूपी शिक्षक भर्ती 2020 बेस्ट ऑफ लक ऑल स्टूडेंट। जितने मेरे भाई और मेरी बहनों का इसमें सिलेक्शन हुआ है फर्स्ट काउंसलिंग लिस्ट में, उन सबको बहुत 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 सारी बधाई है यार। मैं चाहता हूँ भाई आप सब ऐसे ही जिंदगी भर कामयाब होते रहो, अपने हर लक्ष्य को हासिल करो, अपने माता पिता का नाम रोशन करो, ठीक है। और भाई आपकी जो काउंसलिंग है भाई कल से स्टार्ट हो जाएगी। जिनका भी लिस्ट में नाम आया है उस लिस्ट को मैं आपको दे दूँ डायरेक्ट डिस्क्रिप्शन में। जिन्होंने अब तक चेक नहीं किया लिस्ट में, अपना नाम खुद से आप चेक कर सकते हो, ठीक है। आपको कुछ भी प्रॉब्लम आती है लिस्ट में नाम चेक करने में, प्लीज मुझे कॉमेंट जरूर करें, ठीक है। और देखिए कल आपकी भाई काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ भाई अच्छे से जाइएगा। जिनका भी दूर है भाई वो अभी से अपने घर से निकल सकते हैं भाई, लेकिन आराम से सेफ्टी से जाइएगा। ये नहीं है कि बस भगड़ादड़ी में जाएं अपना नुकसान कर लें, ऐसा ना करें भाई। अच्छे से जाइएगा और खाना पीना साथ में लेके जाइएगा, ठीक है। दोस्तों बात करते हैं पहले काउंसलिंग कट ऑफ के बारे में। मुझे बहुत सारे डाउट मिले कि सर जो हमारी फर्स्ट काउंसलिंग लिस्ट थी वो कितनी गई है कट ऑफ हमारी, तो उसके बारे में एक बार बात कर लेते हैं। तो गाइस यहाँ पे देखिए, फर्स्ट लिस्ट कट ऑफ आपकी दोस्तों, फर्स्ट काउंसलिंग लिस्ट के बारे में बात करते हैं कट ऑफ के बारे में। अगर भाई बात करें जनरल के बारे में, जनरल की जो कट ऑफ है दोस्तों यहाँ पे देखिए 67.1 पे जनरल का सिलेक्शन हो गया है इस फर्स्ट काउंसलिंग लिस्ट में। अब मुझे बहुत सारे कमेंट करेंगे सर जो हमारा लिस्ट में सर नाम है हमारा नहीं आया, हमारे नंबर 68 हैं, हमारा क्यों नहीं आया। देखिए भाई अभी तक उनकी तरफ से कोई जानकारी नहीं आई इस बात के ऊपर, ये बात सच है भाई। जिनका 68 था उनका नाम नहीं आया, और जिनका 67.1 था फिर 67 था भाई, उनका नंबर आ गया वहां पे। ये भाई पता नहीं किस प्रकार से हो रहा है, लेकिन भाई उनकी तरफ से कोई जानकारी नहीं आई है। जब भी दोस्तों उनकी तरफ से कोई जानकारी आती है हम आपको अपडेट कर देंगे, आपको टेंशन बिल्कुल लेना है। बात करें दोस्तों ओबीसी के बारे में, फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए ओबीसी में दोस्तों 66.7 पे आपका चयन हो गया है, ठीक है। और दोस्तों बात करते हैं आगे एससी के बारे में, 61.5 पे एससी का दोस्तों चयन इसमें हो गया भाई। जितने भी मेरे भाई और मेरी बहन का इसमें सिलेक्शन हुआ है, इनको दोबारा से बहुत बहुत बधाई है यार। एंड आपकी देखिए आप भाई, आपकी मेहनत थी आप कामयाब हो गए, आपकी मेहनत थी भाई इसलिए आप कामयाब हो गए भाई। वरना ऐसे ही बहुत सारे जिनका नहीं हो पाया यार, ठीक है। लेकिन उनको उम्मीद है कि सेकंड लिस्ट में उनका नाम 100% आएगा। और भाई आपको टेंशन बिल्कुल लेना है, आप ये मत सोचो कि फर्स्ट लिस्ट लग गई और हमें भर्ती से बाहर हो गए, ऐसा मत सोचो भाई, बहुत कुछ होना बाकी है यार। डीमोटिवेट मत हो, बात है भाई डीमोटिवेट होने की, डीमोटिवेट भाई मत हो, हमेशा मोटिवेटेड रहो भाई। सोचो कि हाँ हमारा सेकंड लिस्ट में 100% होगा। अगर भाई आपका 1-2% गुणांक कम बन रहा है भाई, तो भी आपको टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी भाई, आपका भाई 100% सेकंड लिस्ट में नाम जरूर जारी होगा। आप प्लीज मोटिवेटेड रहिए, डीमोटिवेट मत होइए। तो फ्रेंड्स यहाँ पे दोस्तों देख लीजिए 1133 सीट जोड़ने के बाद कट ऑफ है। जो भी दोस्तों एससी कास्ट से बिलोंग करता है भाई उनके लिए बहुत ही अच्छी खुशखबरी है भाई, 1133 सीट आपकी भाई जोड़ी नहीं गई है इस कट ऑफ में। तो भाई देखिए 1133 अगर सीट जोड़ ली जाती है, अगर 1133 सीट अगर इसमें हम जोड़ दें एससी के लिए बता रहा हूँ भाई, उनके लिए दोस्तों यहाँ पे देख लीजिए एससी के दोस्तों 59 भी कट ऑफ जा सकती है। एससी के लिए बता रहा हूँ दोस्तों, 59 61.5 से 59 वाला का भी सिलेक्शन इसमें हो सकता है भाई। तो भाई आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना, आपका बहुत कुछ होना बाकी है। आप ये मत सोचिए कि हाँ बस मतलब फर्स्ट लिस्ट लग गई और हम भर्ती से बाहर हो गए भाई, आपकी सेकंड लिस्ट भी जारी 100% होगी। और अगर दोस्तों आपका 1-2 गुणा कम बन रहा है भाई, आप 100% सिलेक्शन ले पाओगे, ठीक है। आपको टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना, डीमोटिवेट नहीं होना है, हमेशा मोटिवेट रहिए। अब कईयों का मुझे ये डाउट था कि सर जो हमारी सेकंड लिस्ट है वो जारी होगी या नहीं होगी, कुछ प्रूफ दिखा दीजिए। तो भाई आप देखिए आपको मैं कुछ प्रूफ दिखाने वाला हूँ, प्लीज वीडियो में बने रहिएगा। तो भाई आगे चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे दोस्तों देख लीजिए 67,867 अभ्यर्थियों को हुआ जिला आवंटित, 68,754 का चयन नहीं हुआ। तो दोस्तों आप ऊपर देख सकते हो 67,867 अभ्यर्थियों का हुआ है भाई जिला चयन, मतलब आप मान के चलो भाई 69,000 पूरे पास नहीं किए गए। तो भाई इतना तय है आपकी जो भाई सेकंड लिस्ट है 100% जारी होगी, ये नहीं है कि जारी नहीं होगी। कईयों का डाउट था कि सर जो हमारी सेकंड लिस्ट है वो आएगी या नहीं आएगी, तो आपको मैं भाई बता दूं दोबारा से, आपकी सेकंड लिस्ट भाई 100% जारी होगी। तो भाई आपको निराश नहीं होना है। और यार बहुत सारे अभ्यर्थी हैं जो बाहर होंगे भाई, एनओसी मांगी गई है, आपको पता है भाई एनओसी मांगी गई है, और बहुतों के पास वो नहीं है। अब दोस्तों कुछ दिन पहले नोटिफिकेशन जारी हुआ था, एक आपने देखा भी होगा,
जिनके पास 15-20 दिन पुरानी एनओसी है वो नहीं चलेगी, उसको दोस्तों रद्द कर दिया गया है। तो आपके लिए दोस्तों बहुत ही अच्छी खुशखबरी है भाई, जिनके पास एनओसी नहीं है वे तो दोस्तों वैसे ही बाहर होने हैं भाई। 20/12/2018 से पहले पहले की एनओसी मांगी गई है, जिनके पास नहीं है वो वैसे ही बाहर होने हैं। और कईयों के पास दोस्तों अपियरिंग वाले थे, बैक वाले थे भाई, जिन्होंने मतलब जो फॉर्म भरा था भाई, फॉर्म आपको पता फ्री था भाई, फॉर्म भर दिए सबने, लेकिन भाई अगर आपके पास अपेयरिंग वाले हो, आपके पास बैक है भाई, तो आप प्लीज, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ आप काउंसलिंग में ना जाए, वरना आपके ऊपर कार्रवाई हो सकती है। मैं आपको पहले ही बताया था, अब भी बता रहा हूँ, ठीक है। तो बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं भाई जो बाहर होने वाले हैं, अगर भाई मान के चलो 10,000 भी स्टूडेंट कम हो जाते हैं आप किसी भर्ती में भाई इसमें काउंसलिंग में, तो आपका गुणांक भाई बहुत ही इफेक्ट पड़ा है गुणांक के ऊपर, आपका गुणांक बहुत ही कम जाने वाला है। जिनका भी कम गुणांक बन रहा है भाई उसके लिए रात भरी खबर है, उन सभी मेरे भाई और मेरी बहनों के लिए बहुत ही अच्छी खबर है। अगर 10,000 स्टूडेंट भी अगर इस भर्ती में बाहर हो जाते हैं तो आपका 100% चांस है आप सिलेक्शन ले लोगे, जिनका भी गुणांक 1-2% कम बन रहा है, ठीक है, आपको टेंशन बिल्कुल लेना है। और अब डाउट ये आता है कि सर जो हमारा सिलेक्शन है कितने गुणांक पर होगा, तो भाई आगे दोस्तों बात करते हैं उसके बारे में। तो गाइज यहाँ पे दोस्तों देख लीजिए, तो फ्रेंड्स यहाँ पे दोस्तों दूसरी काउंसलिंग लिस्ट लगेगी। अब देखिए बात करते हैं पीएच के बारे में। देखिए भाई पीएच वालों का ये कहना है कि उनका बहुतों का सिलेक्शन नहीं हो पाया, तो भाई पीएच के लिए कुछ डाटा अभी तक कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं आई है, आपको भाई समय समय पर हम प्रोवाइड करवाते रहेंगे, आपको टेंशन नहीं लेना भाई, आपको चैनल से जुड़े रहना। जिन्होंने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, अगर आप यूपी शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थी हो आप चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अब दोस्तों बात करते हैं दूसरी काउंसलिंग लिस्ट के बारे में। कईयों का मुझे डाउट था कि सर जो हमारी लिस्ट है सेकंड लिस्ट लगेगी या नहीं लगेगी, आपको भाई मैंने विद प्रूफ दिखा दिया है कि आपकी जो सेकंड काउंसलिंग लिस्ट है भाई 100% लगेगी, 100% जारी होगी, तो भाई आपको टेंशन नहीं लेना। जिनका भी कम नंबर बन रहे हैं उनके लिए दोस्तों रात भर एक खबर है ये, ठीक है। दोस्तों आगे देखिए दूसरी लिस्ट में सेव गुणांक क्या होगा। बहुत कमेंट ये रहता है कि सर जो हमारा सिलेक्शन है आप कितने गुणांक पर होगा, तो भाई आगे बात करते हैं भाई, अगर आपका कितना गुणांक बन रहा है ना, आप 100% इसमें श्योर हो सिलेक्शन ले लोगे, आपका भाई कितना गुणांक बन रहा है प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है। अब भाई बात करते हैं गुणांक के ऊपर। दोस्तों बात करें जनरल के बारे में, अगर आपका गुणांक भाई 65+ बन रहा है, आप 100% इसमें सिलेक्शन ले लोगे, आपको टेंशन नहीं लेना है। दोस्तों आपका भाई कितना गुणांक बन रहा है प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बात करें ओबीसी के बारे में, अगर आपका गुणांक 63+ है, 63 भी बन रहा है, आप दोस्तों सेकंड लिस्ट में नंबर ले लोगे, आपका 100% सिलेक्शन हो जाएगा भाई, आपको टेंशन नहीं लेना है। कई तो बेचारे ऐसे हैं बहुत सैड हो रखे हैं कि हमारा पता नहीं अब क्या होगा भाई, बहुत कुछ होना बाकी है। प्लीज यार आपसे रिक्वेस्ट करता हूं मैं, आप सब डिमोटिवेटेड मत होइए, मोटिवेटेड रहिए दोस्तों, हमेशा पॉजिटिव सोचिए, नेगेटिव मत सोचिए, ठीक है। और बात करते हैं एससी के बारे में, 59+। देखिए एससी वालों के लिए दोस्तों बहुत अच्छी खबर है भाई, अगर आपकी जो पोस्ट रैंक 1133 एड हो जाती है, आपकी जो कट ऑफ भाई बहुत ही कम जाने वाले, 58 तक भी जा सकती है। क्या सुना आपने, 58 तक भी जा सकती है एससी वालों की, तो भाई आपको टेंशन नहीं लेना, बहुत कुछ होना बाकी है भाई। बहुत सारे बंदे बाहर होंगे भाई अपेयरिंग में, बैक वाले बाहर होंगे भाई, जिनके पास दस्तावेज पूरे नहीं है उनको भी बाहर कर दिया जाएगा, तो भाई भी बहुत कुछ होना बाकी है। कुछ बेचारे बहुत आस छोड़ गए हैं, बहुत मतलब सैड सैड रहते हैं, जिनको रात को नींद भी नहीं आती है, तो प्लीज यार आराम से नींद लीजिए भाई, आपकी सेकंड लिस्ट जारी होगी जिनमें आप सबका सिलेक्शन हो जाएगा। मैंने जो बताया भाई इसके अकॉर्डिंग आपका भाई सिलेक्शन होने वाला है, आपके कितना गुणांक बन रहा है प्लीज मुझे कमेंट कीजिएगा। अगर आप दोस्तों यूपी शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थी हो आप चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। आपका दोस्तों कुछ भी डाउट हो, आपको दोस्तों कुछ भी डाउट लगे किसी बात पे आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। और भाई आपका गुणांक कितना बन रहा है प्लीज मुझे कमेंट करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों।